आंदा जेल पहुंचे डीएम एसपी और जांच करने वाली टीम। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी मौत मामले की बाकायदा जांच होगी, न्यायिक जांच की होगी और इसकी टीम बांदा जेल पहुंच चुकी है। बार बार आरोप मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से लगाया जा रहा है कि ये सामान्य मौत नहीं है, नेचुरल डेथ नहीं है, बहुत तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, टीम बांदा जेल इस वक्त पहुंच चुकी है और डीएम एसपी और पूरी जांच की टीम जो वहां पर पहुंची हुई है, इस वक्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाकायदा। अब ये जो मुख्तार अंसारी की मौत हुई है उसकी जांच की जाएगी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का परिवार उसकी मौत को हत्या करार देने पर तुला हुआ है। वो दावा ये कर रहे हैं कि मुख्तार मरा नहीं है बल्कि उसे जेल में जहर देकर मरवाया गया है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया को मुख्तार अंसारी की ऐसी एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट मिली है जो कि साफ साफ ये बता रही है कि मुख्तार अंसारी कोई तंदुरुस्त आदमी नहीं था, वो बेहद बीमार था, कई साल से उसे बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द, ये वो दिक्कतें हैं जो माफिया डॉन मुख्तार पर मौत बनकर मंडरा रही थी। एक नहीं कई खतरनाक बीमारियां मुख्तार की जान की दुश्मन बनी बैठी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद ये वो एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुख्तार अंसारी को कोई एक आध नहीं बल्कि कई बीमारियां थी। ये मेडिकल रिपोर्ट साबित करती है कि मुख्तार को शुगर और हाई बीपी तो था ही, उसका दिल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। यह मुख्तार अंसारी की 2018 की मेडिकल रिपोर्ट है। तब मुख्तार को यूपी के बांदा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच हुई तो पता चला कि मुख्तार को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर तो है ही, उसकी दिल की धमनियों में ब्लॉकेज तक पाई गई है। मुख्तार के सीने में दर्द था, यानी उसके दिल को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। इस वजह से मुख्तार को ऐसी दवाएं दी गई थी जिससे उसे दिल का दौरा ना पड़े। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद मुख्तार की अगली रिपोर्ट मार्च 2019 की है, जब मुख्तार को चंडीगढ़ के नेहरू अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। नेहरू अस्पताल ने भी अपनी रिपोर्ट में मुख्तार को हाई ब्लड प्रेशर और हाई बीपी की बीमारी लिखी थी। ये तो अस्पतालों की लिखी मेडिकल रिपोर्ट है। न्यूज 18 इंडिया के पास वो चिट्ठी भी है जो 2019 में मुख्तार अंसारी ने पंजाब की रोपड़ जेल से खुद राष्ट्रपति को लिखी थी। ये चिट्ठी मुख्तार अंसारी का कबूलनामा है जिसमें उसने खुद कहा कि उसे जेल में दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है और उसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हैं। यानी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जानता था कि वो बहुत बीमार है, उसने खुद माना था कि उसे कई बीमारियां हैं। बल्कि इससे एक साल पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने भी राष्ट्रपति को अर्जी दी थी जिसमें उसने कबूला था कि उसके पति को हाई बीपी, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी की कई गंभीर बीमारियां हैं और उसे जेल में हार्ट अटैक भी आ चुका है। चार साल पहले फरवरी 2020 में जब पंजाब के रूपनगर में मुख्तार का इलाज करवाया गया था तो वहां भी डॉक्टरों ने कहा था कि उसे डायबिटीज है। मुख्तार अंसारी की एक नहीं कम से कम 10 मेडिकल रिपोर्ट यही दावा करती है। 2021 से 2024 के बीच बांदा जेल में सजा काटने के दौरान 3 साल में मुख्तार अंसारी ने 84 बार डॉक्टर्स को दिखाया था। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद इन मेडिकल रिपोर्ट से मुख्तार के घर वालों के दावे कटघरे में हैं। यहां तक कि सूत्रों का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मुख्तार अंसारी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया था और इसी वजह से उसकी मौत हुई। सूत्रों का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साबित हुआ है कि मुख्तार को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी थी, लेकिन सियासी दल मुख्तार के परिवार के सुर में सुर मिला रहे हैं। इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे
और ये परिवार शायद आज़ादी के लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए इनकी मौत संदेह के घेरे में है, तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा है। मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल, ये होता है, और जो भी हुआ होगा वो सच सांप के सामने आया है। मुख्तार का परिवार भले ही उसे जहर दिए जाने का दावा कर रहा हो, मगर न्यूज 18 इंडिया को मिली उसकी मेडिकल रिपोर्ट बहुत बड़ा सबूत है, जिन्हें देखने के बाद मुख्तार के परिवार के दावों में दम नजर नहीं आ रहा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया, आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। बात करेंगे मुख्तार अंसारी की। मुख्तार का परिवार बार बार स्लो पॉइजन देने का दावा कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आ चुके हैं जिससे इस दावे की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बांदा जेल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें 10 रिपोर्ट एक समान ही है। रिपोर्ट की अगर माने तो 10 सितम्बर 2018 को मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने राष्ट्रपति को बाकायदा एक एप्लीकेशन लिखा था जिसमें उन्होंने मुख्तार अंसारी की गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने की बात भी कही थी। और इसके कुछ वक्त के बाद यानी कि 2 नवंबर 2019 को मुख्तार अंसारी ने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा था और जानकारी इसमें ये दी कि जेल में रहने के समय उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया। इतना ही नहीं, उन्हें हाई ब्लड शुगर की भी शिकायत थी, ये भी इसमें बात सामने आई है। वहीं बांदा जेल प्रशासन की माने तो मुख्तार अंसारी ने साल 2021 से 2024 के बीच में 84 बार डॉक्टर से कंसल्ट किया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मेडिकल रिपोर्ट 10 जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है। खास बात यह है कि 10 की 10 मेडिकल रिपोर्ट एक जैसी ही है, अलग अलग है लेकिन उनमें एक ही तरह की बातें लिखी हुई हैं। और सबसे बड़ा खुलासा ये कि राष्ट्रपति को इससे पहले लेटर खुद मुख्तार अंसारी की तरफ से लिखा गया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप देखिए कि एक तरफ तो मुख्तार का परिवार अब ये कह रहा है कि स्लो पॉइजन मुख्तार अंसारी को दिया जा रहा था जिस वजह से मौत हुई है, लेकिन इस दावे को झूठा साबित ये रिपोर्ट करती है जिसमें मुख्तार के परिवार ने, खासकर उसकी पत्नी ने खुद कहा था कि उनको दिक्कतें हैं, और ऐसे में अब ये झूठ से पर्दा उठ चुका है। अब आपको तफसील से बताते हैं कि किस तरह से मुख्तार लंबे समय से बीमार चल रहा था। साल 2021 से 2024 तक मुख्तार का बांदा जेल में इलाज चला। मुख्तार ने तीन साल में 84 बार डॉक्टर को दिखाया और उसके बाद बांदा जिला अस्पताल की 2018 की मेडिकल रिपोर्ट की अगर माने तो मुख्तार को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी कई सारी बीमारियां थी। इसके अलावा दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द की शिकायत थी। 2018 की एक और मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है जिसके मुताबिक मुख्तार को दिल का दौरा पड़ने से रोकने वाली दवाइयां भी यहां पर दी गई थी। अब देखिए चंडीगढ़ में इलाज के समय की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट तब की है जब मुख्तार रोपड़ जेल में बंद था। 2019 की मेडिकल रिपोर्ट की अगर माने तो मुख्तार डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित था। मुख्तार लंबे समय से बीमार था इस बात की पुष्टि करने वाला एक और दस्तावेज भी आपको दिखाते हैं। 2019 में मुख्तार ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने ये लिखा था कि मैं 60 साल का आदमी हूं जिसे जेल में 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है। तो एक एक करके कैसे ये जो मुख्तार अंसारी का परिवार झूठ बोल रहा है इससे पर्दा उठ रहा है जो हम आपको ये रिपोर्ट बता रहे हैं। और बकायदा आपको बताएं कि जो बांदा प्रशासन है उसकी तरफ से, बांदा मेडिकल प्रशासन की तरफ से 3 साल की रिपोर्ट भी दी गई जिसमें बताया गया कि कितनी बार उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया और हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज वगैरह जैसी बीमारियां हैं ये मुख्तार ने खुद बताया था। आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, 2018 की रिपोर्ट आप देख लीजिए। मुख्तार को दिल का दौरा पड़ने की इसमें बात कही गई। 2019 की आप देखेंगे तो डायबिटीज के साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर की भी बात इसमें सामने आई। इसके अलावा अब आपको 2020 की मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट पंजाब में इलाज के समय की है जिससे ये बात सामने आती है कि मुख्तार डायबिटीज से पीड़ित था। तो ये हम आपको एक एक करके रिपोर्ट दिखा रहे हैं।
तो ये आपके टीवी स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया, इस मेडिकल रिपोर्ट से कई सारे खुलासे हुए हैं। 18 की आपने देखी, जिसमें डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज जैसे सीने में दर्द की बहुत संगीन बात सामने आई है। तो देखिए, बांदा जिला प्रशासन की रिपोर्ट है, 2018 की मेडिकल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो मुख्तार को दिल का दौरा पड़ा था और उसके बाद उसको दवाइयां भी दी गई थी, लगातार उसका इलाज चल रहा था क्योंकि एक समय में उसकी हनक थी, उसका रसूख था, लेकिन जैसे ही वो जेल में गया उसके बाद उसका रसूख कम हुआ और वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगा, जिसके बाद ये रिपोर्ट अब सामने आ रही है। तो कितना भी आप कुछ कह लें, सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है। राष्ट्रपति को जो चिट्ठी लिखी उसमें क्या लिखा गया ये भी आपको बता दें, मैं 60 साल का आदमी हूं जिसे जेल में दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है, ये भी मुख्तार अंसारी ने लिखा। और फिर 2020 की जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आती है, डायबिटीज उसमें कहा गया, और 21 से 24 तक आप देखिए 3 साल में 84 बार डॉक्टर से कंसल्ट किया मुख्तार अंसारी ने। तो न्यूज 18 इंडिया के पास मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट है, 2021 से 2024 तक के अगर आंकड़ों पर गौर करें तो 84 बार उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया। इससे पहले हमने देखा कि उसकी तबीयत खराब हुई थी, उसको अस्पताल ले जाया गया जहां से उसको छुट्टी मिली, और उसके बाद कई उसके ऑडियो रिकॉर्ड्स भी सामने आए जब वो अपने परिवार से बातचीत कर रहा था और बता रहा था कि वो बोल नहीं पा रहा है। ऐसे में जो मुख्तार का परिवार अब कह रहा है कि उसको स्लो पॉइजन दिया गया जिस वजह से उसकी मौत हुई है, ये दावे झूठे साबित हो जाते हैं। और उधर कासगंज जेल में बंद मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी जेल में पूरी रात सोया नहीं है। खबर यह है कि वो टीवी पर या मोबाइल पर पिता का चेहरा देखने की मिन्नतें करता रहा। वो हाई सिक्योरिटी जेल में पूरी रात टहलता रहा है और रोता रहा है। तो जेल में पूरी रात रोता रहा अब्बास अंसारी, अपने पिता से मिलने की मिन्नतें करते रहा, ये जानकारी अब सामने आई है। आपको ये बता दें कि पहले 11 घंटे देरी से ये खबर उस तक पहुंच पाई कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हालांकि कोशिश बहुत की गई कि पेरोल किसी तरीके से मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन इतना वक्त ही नहीं था कि इस मामले पर कुछ सुनवाई होती या कोई राहत मिल पाती, और इसीलिए जनाजे में शामिल होने तक की मोहलत भी नहीं मिल पाई। और अब्बास अंसारी रोता रहा क्योंकि कल गुड फ्राइडे था, उसने वैकेशन ऑफिसर से संपर्क तो किया गया था सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन राहत नहीं मिली। कब्र पर एक बेटा रोया, उमर अंसारी की हम बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अब्बास अंसारी जो जेल में है, मिन्नतें करता रहा लेकिन अपने पिता को देख नहीं पाया। आखिरी बार दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर यह भी दिखाती हुई कि वक्त जब बदलता है तो फिर आप सोचिए कि कितना मजबूर वो व्यक्ति हो सकता है जो एक समय पर बहुत शक्तिशाली रहा हो। ये दो तस्वीरें क्या स्थिति अब इस परिवार की हो चुकी है ये दिखाती हुई। मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अपने पति की मौत के बाद उसे देखने नहीं पहुंची मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी। अफशा अंसारी फरार चल रही है, उन पर 75,000 का इनाम तक घोषित है। अफशा पर लुकआउट नोटिस भी जारी है। आपको बताएं, भ्रष्टाचार के मामले में अफशा अंसारी पिछले 1 साल से फरार है, वो कहां पर है किसी को पता नहीं है, 75,000 का इनाम घोषित है। लेकिन ऐसे मौके पर जब पति का ये आखिरी सफर था वहां पर भी नहीं पहुंच पाई वो। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी फरार चल रही है। एक था मुख्तार जिसे विरासत में मिली अच्छी परवरिश, और इसके अलावा पुरखों के अच्छे काम, लेकिन यही मुख्तार बन बैठा यूपी का सबसे बड़ा डॉन। ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ, बेहद दिलचस्प और खौफनाक हकीकत है। मुख्तार अंसारी ने बड़े खूनी और खूंखार कारनामों से माफिया गिरी का आगाज कर दिया था। मंडी परिषद के चुनाव में हत्याकांड के बाद उसका नाम उछला था, और आपको ये भी बताएं कि पुलिस की फाइल में एक बार नाम दर्ज होने के बाद मुख्तार ने किसी की भी परवाह ही नहीं की। खुद का गैंग बनाया, सबसे खतरनाक शूटर जुटाए। इसके अलावा मुख्तार के गैंग IS नंबर 191 ने पूरे पूर्वांचल में खूनी कोहरा मचाया। इस स्पेशल रिपोर्ट में आपको हम माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कंप्लीट क्राइम फाइल दिखाते हैं। ये पाप की वो गठरी है जिसे तमाम उम्र सिर पर ढोता रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया। इसमें नाम दर्ज है, उसके कारनामे दर्ज हैं, उसकी गैंग की डिटेल दर्ज है, उसके कुनबे के कुख्यात कांड दर्ज हैं। संगीन गुनाह की कोई ऐसी धारा नहीं जिसका जिक्र मुख्तार की क्राइम फाइल में दर्ज ना हो। मुख्तार सलाखों के पीछे रहा हो, व्हीलचेयर पर रहा हो, एम्बुलेंस में रहा हो या फिर पुलिस वैन में, हर वक्त इसी क्राइम फाइल के खौफ में जीता रहा।
मुख्तार की संगीन से संगीन वारदातों से ठसा ठस भरा ये पुलिंदा उसकी असल शिनाख्त है, एक ऐसे माफिया की जिसने पूरे पूर्वांचल को थर्रा रखा था, जिसने पूरे सिस्टम को दहला रखा था। मुख्तार ने खानदानी विरासत में मिले नाम को इस कदर बदनाम किया कि पूरा यूपी इस डॉन से खौफ खाता था, क्योंकि मुख्तार ने जरायम की दुनिया में आगाज खौफनाक अंदाज से किया था। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में साल 1980 के दशक में कदम रखा। सबसे पहले मुख्तार अंसारी का नाम मखनू सिंह गिरोह के साथ जुड़ा, उसके बाद जौनपुर, मऊ, वाराणसी और गाजीपुर जिलों में मुख्तार अंसारी का नाम संगठित अपराधों में सामने आया। मुख्तार अंसारी की अदावत माफिया ब्रिजेश सिंह से हुई, जिसके बाद खूनी खेल शुरू हो गया। साल 1988 में मुख्तार ने ठेकेदारी में धौंस जमानी शुरू की। इसके बाद मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार अंसारी ने सच्चिदानंद राय की हत्या करवा दी। ये पहला बड़ा केस था जिसमें मुख्तार का नाम पुलिस फाइल में दर्ज हुआ। इसी दौरान अपने कट्टर दुश्मन त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में करवा दी। 1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन रास्ते में दो पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। 1991 में मुख्तार और ब्रजेश के बीच संबंधों में निर्णायक मोड़ आया। बनारस की पिंडरा सीट से विधायक रह चुके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ दो लोकसभा चुनाव हार चुके अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या हो गई। अवधेश ब्रजेश सिंह के करीबी माने जाते थे और उनकी हत्या में नाम आया मुख्तार गैंग का। फिर अदावत का एक दौर चल पड़ा। ब्रजेश सिंह और मुख्तार की गैंग वॉर का दायरा मुंबई तक फैला, लेकिन मुख्तार ने खुद का मेकओवर भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे राजनीति में धाक जो जमानी थी। माफिया मीडिया में अपनी छवि चमकाने के लिए गोल्डन चश्मे में इंटरव्यू देने लगा था। इंटरव्यू के दौरान पिस्टल नचाने का उसका स्टाइल भी जमकर सुर्खियां बटोरने लगा था। इसी बीच 1996 में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रूंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी का नाम अपराध की दुनिया में पूरे देश पर छा गया। लेकिन माफिया डॉन की गैंग नंबर IS-191 का सबसे बड़ा खूनी कांड तब सामने आया जब वो सियासत में धाक जमाने लगा था। मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था। हथियार के बल पर डर और आतंक फैलाने का शौकीन मुख्तार का काफिला जब निकलता था तो अब उसके गुर्गे हथियार लहराते हुए दिखाई देते थे। किसी की क्या हिम्मत कि मुख्तार अंसारी के काफिले को रोकने की हिम्मत करते। जब भी मुख्तार अंसारी किसी से हफ्ता या फिर कोई वसूली की मांग करते थे तो कोई सपने में भी उसे इनकार करने की सोच नहीं सकता था। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर उत्तर प्रदेश, ये हत्याकांड था बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का, जिसमें उनके साथ 6 लोगों की मौत हो गई थी। उस रोज 500 राउंड गोलियां चली थी, AK-47 से बारूद बरसा था, इलाके में मुख्तार गैंग का खौफ पसरा था। कृष्णानंद राय हत्याकांड ने मुख्तार को देश के सबसे कुख्यात माफिया डॉन की फेहरिस्त में टॉप पर पहुंचा दिया। बाबा की आशीर्वाद है, जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। मुख्तार अंसारी ने बेखौफ होकर संगीन अपराधों को अंजाम दिया। शराब से लेकर रेलवे के ठेके तक सरकारी ठेकों को हथियाने के लिए अपहरण और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले उसने किसी की कोई परवाह नहीं की। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की, आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है, और उसमें पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके कि नहीं ये गलत है और ये हो, इसको जेल जाना होगा। हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों प्रेशर बनाया, जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही।
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ 66 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि लगभग 35 मुकदमे में मुख्तार अंसारी बरी भी हो चुका था, जबकि 21 मुकदमे विभिन्न अदालतों में विचाराधीन चल रहे थे। वहीं 8 मुकदमे में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। मुख्तार की ही तरह अंसारी खानदान की क्राइम फाइल भी लंबी है, पूरे कुनबे पर मुकदमे का बोझ है। कुनबे पर जो मुकदमे दर्ज हुए, मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जानलेवा हमले सशस्त्र अधिनियम के मामलों में वो दोष मुक्त हो चुके हैं, जबकि जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में गाजीपुर पुलिस अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के विरुद्ध 7 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के एक मुकदमे की सीबीआई जांच चल रही है। हत्या का एक मुकदमा खत्म कर दिया गया था। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास की पत्नी निखत को बीते दिनों चित्रकूट पुलिस ने पकड़ा था। चित्रकूट जेल में वो अब्बास से गैर कानूनी ढंग से मिलने जाती थी। निखत के विरुद्ध चित्रकूट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ भी धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में 6 मुकदमे दर्ज हैं। सियासी सरपरस्ती ने मुख्तार अंसारी को इतना बेखौफ बना दिया था कि वो खुद को कानून और सरकार से ऊपर रखने लगा था। मऊ दंगे के बाद मुख्तार ने योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लिया था। साल 2005 में मऊ में भीषण दंगा हुआ। दंगे के दौरान मुख्तार खुली जीप में हथियार लहराते घूम रहे थे। उस दौरान आरोप लगे कि धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ जमकर अत्याचार किया गया है। आरोप ये भी लगे कि दंगा भड़काने का मास्टरमाइंड मुख्तार अंसारी था। इन्हीं दंगों के बीच साल 2006 में यूपी के वर्तमान सीएम और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती दी कि मऊ जाकर वो पीड़ितों को इंसाफ दिलाएं, लेकिन मुख्तार का दबदबा ऐसा था कि योगी को मऊ में दोरी घाट से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। मुख्तार ने योगी से अदावत पाल रखी थी, जिसके नतीजे में योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला तक अंजाम दिया गया। ये बात 2008 की है। योगी आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। उपद्रवियों ने आगजनी की भी कोशिश की थी और उस वक्त योगी आदित्यनाथ बाल बाल बचे थे। हमले से बचने के बाद योगी ने खुले शब्दों में मुख्तार अंसारी को चेतावनी दी थी। और इसके बाद जब से योगी सूबे के सीएम बने, तब से माफियाओं के बुरे दिन यूपी में शुरू हो गए। 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुन्ना बजरंगी था। मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा शूटर मुन्ना बजरंगी था, लेकिन बताया जाता है कि बाद में दोनों के संबंध खराब हो गए थे। जेल में मुन्ना बजरंगी की खौफनाक मौत का किस्सा सुनने के बाद से मुख्तार अपनी जान को खतरा बताने लगा था, जिसके चलते माफिया को पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन पंजाब से जब से मुख्तार यूपी की जेल में लौट कर आया, उसके सिर पर मौत नाचने लगी थी, क्योंकि योगी राज में माफियाओं के मिट्टी में मिलने की शुरुआत हो चुकी थी। अतीक अहमद जैसे डॉन का अंत हो चुका था। वहीं माफिया मुख्तार बार बार बीमार रहने के चलते हत्या की आशंका जताने लगा। मगर जिस अंदाज में मुख्तार का अंत हुआ, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। माफिया की मौत की वजह पर फिलहाल सस्पेंस है। जांच के बाद ही सच सबको पता चलेगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो पता चला वो ये कि हार्ट अटैक के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई।